चलो दोस्तों, जब हम बात करने वाला है अगर आप मुंबई से बैंकॉक जाना चाहते हैं तो फ्लाइट टिकट का प्राइस क्या होने वाला है, सबसे सस्ता सस्ता फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, एयरपोर्ट कोड्स क्या है, समय कितना लगने वाला है और हर एक फ्लाइट की टाइमिंग क्या है, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन दबा देना, चलते सीधे डायरेक्ट यहाँ पर बुकिंग करते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर सीधे हम वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने फॉर्म में डाल दिया मुंबई टू में डाल दिया बैंकॉक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना कोई भी टाइमिंग मतलब डेट्स चूज कर लेते हैं, उसके बाद सीधे सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद आपके पास दो तीन ऑप्शन आता है, एक चार्ट का आता है, एक आप अपना एयरपोर्ट कोड से देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो चार्ट पे हमेशा ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है क्योंकि फ्लाइट की प्राइस कभी फिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एयरपोर्ट कोड्स की मैं बात करूँ तो मुंबई का है BOM है और बैंकॉक का है BKK है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं फ्लाइट की टिकट कैसे बुक कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला है थाई करके एयरलाइंस है और ये 12:10 पे रात को फ्लाइट से 4:05 समय लेती है और 5:45 बैंकॉक पहुँचा देती है। 9,621 रुपये फ्लाइट के टिकट चार्ज है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे श्रीलंकन एयरलाइंस है, मुंबई से है ये 20:45 पे और ये कोलंबो में जाके 2 घंटा का हॉल्ट है और ये 8:05 टोटल ट्रेवल टाइम लगेगा और ये बैंकॉक 6:20 पहुँचा देगी और 12,658 रुपये फ्लाइट टिकट चार्ज है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिगो का है, 20:30 फ्लाइट्स हैं और ये कोलकाता होकर जाएगी, कोलकाता में 1:30 का हॉल्ट है, 6:45 पूरा टोटल ट्रेवल टाइम लगेगा और 4:45 पहुँचा देती है, 12,829 रुपये फ्लाइट टिकट चार्ज है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिगो का है, 12:05 फ्लाइट से रात को बेंगलुरु 4:50 समय लेती है, टोटल ट्रेवल टाइम 10:30 से लेती है और 12:05 पहुँचा देती है बैंकॉक, 13,303 रुपये फ्लाइट टिकट चार्ज है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे फ्लाइट्स हैं जिनके अलग अलग प्राइस है, अलग अलग समय है, अपने प्राइस समय के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए सिंपल सा व्यू फेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद बुक पे क्लिक करेंगे, उस यहाँ पर बोर्डिंग पॉइंट डिटेल आ जाता है कि आपका फ्लाइट कितने बजे है, क्या है, सब डिटेल यहाँ पर आता है कितने में पहुँचाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर फ्लाइट की प्राइस देख सकते हैं कितना आपको पे करना है। बस बुकिंग करने के लिए अपना सिंपल सा नीचे आना है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है जो जो पूछेगा, उसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जैसे पेमेंट करते हैं आपका ईमेल पे टिकट बुक हो जाता है, आपके ईमेल पे आ जाता है। तो इस तरह से बुकिंग करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।